नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल नर्सिंग अकेडमी। नर्सिंग अकेडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। कंप्लीट योर ड्रीम विद अस, आप अपने सपनों को हमारे साथ पूरा कीजिए। दोस्तों, राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार बदलता है। राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती है सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। नर्सिंग अकेडमी प्रेजेंट्स मोस्पी एंड क्लिक आरएन सीरीज 20 एडिशन मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग एमसीक्यू नंबर 231-240 फॉर गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम, जीआई सिस्टम या डाइजेस्टिव सिस्टम फॉर ऑल नर्सिंग एग्जाम्स। लेट्स नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 231। ए क्लाइंट इज शेड्यूल्ड फॉर पाइलोरोप्लास्टी एंड वेगोटोमी बिकॉज ऑफ स्टिंक्चर्स कॉज्ड बाय अल्सर अनरेस्पॉन्सिव टू मेडिकल थेरेपी। व्हाट इंफॉर्मेशन अबाउट द पर्पज ऑफ वेगोटोमी शुड द नर्स इंक्लूड व्हेन रिव्यूइंग द हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स डिस्कशन विद द क्लाइंट। एक क्लाइंट है जो कि पाइलोरोप्लास्टी और वेगोटोमी के लिए शेड्यूल किया गया है। क्यों? क्योंकि वो मेडिकल थेरेपी के लिए रेस्पॉन्स नहीं दे रहा, मतलब उससे उसका ट्रीटमेंट ठीक नहीं हो रहा। इसके लिए व्हाट इंफॉर्मेशन अबाउट द पर्पज ऑफ वेगोटोमी शुड द नर्स इंक्लूड, कौन वेगोटोमी का यहाँ पे पर्पज बताना है कि क्या पर्पज है, किस पर्पज के लिए वेगोटोमी को इंक्लूड किया गया है। क्लाइंट का पर्पज क्या है वेगोटोमी करने का? वेगोटोमी का मतलब है वेगस नर्व को कट करना। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन वन इंक्रीज द हेड रेट, वेगोटोमी वेगस नर्व हेड रेट को इंक्रीज करती है इसलिए उसको कट कर दिया गया। ऑप्शन टू हेस्टन्स गैस्ट्रिक एम्प्टी, गैस्ट्रिक एम्प्टी है मतलब जो स्टोमक में कंटेंट है उसको खाली करवाती है। ऑप्शन थ्री एलिमिनेट्स पेन सेंसेशन, पेन सेंसेशन एलिमिनेट करने के लिए किया गया है। ऑप्शन फोर डिक्रीज सीक्रेशन इन द स्टोमक, स्टोमक के अंदर सीक्रेशन डिक्रीज करने के लिए। गेस योर करेक्ट आंसर। आप सब उत्तरों का जवाब कमेंट बॉक्स में लिखिए और लास्ट में मैच कर लीजिए कि आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। उससे आप इजीली जांच कर सकेंगे कि आपकी तैयारी कैसी है। गेस योर करेक्ट आंसर लिखिए कमेंट बॉक्स में। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन फोर। रेशनल देखिए, डिक्रीज सीक्रेशन इन द स्टोमक, वेगेटोमी का यहाँ पे क्या पर्पज है, जो स्टोमक के अंदर सीक्रेशन है उनको कम करना। रेशनल देखिए, रेशनल क्या कह रहे हैं, वेगस नर्व स्टिमुलेट द स्टोमक टू सीक्रेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। वेगस नर्व जो स्टोमक के अंदर प्रेजेंट है वो क्या करती है, जो स्टोमक के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड है HCl है, क्या है HCl है, उसके सीक्रेशन को बढ़ाती है। When it is served, the neural pathway is interrupted and stomach secretion are decreased. जब हम वेगेटोमी कर देते हैं, वेगस नर्व को हटा देते हैं, तो क्या होगा, जो वेगस नर्व का न्यूरल पाथवे है वो इंटरप्ट हो जाएगा, रुक जाएगा, और जो स्टोमक का HCl सीक्रेशन है वो कम हो जाएगा, जिससे जो अल्सर की कंडीशन है उसको ट्रीट किया जा सकता है। पोर्शन ऑफ वेगस नर्व दैट इज सर्वड इनर्वेट द स्टोमक, वेगस नर्व का वो पोर्शन जो कि स्टोमक को इनर्वेट करता है, मतलब उसको नर्व सप्लाई करता है, नॉट द हार्ट, देयरफॉर द हार्ट रेट इज नॉट अफेक्टेड। हार्ट रेट क्यों नहीं अफेक्ट होगी, क्योंकि वेगस नर्व केवल स्टोमक को नर्व सप्लाई करता है, न कि हार्ट को, इसलिए इसको हम एलिमिनेट कर देंगे। नेक्स्ट है वेगस नर्व कंट्रोल हाइड्रोक्लोरिक एसिड सीक्रेशन नॉट गैस्ट्रिक एम्प्टिंग। वेगस नर्व का काम क्या है, स्टोमक के अंदर HCl सीक्रेशन को कंट्रोल करना, न कि गैस्ट्रिक एम्प्टी को। देन दिस ऑप्शन इज आल्सो एलिमिनेटेड। एम्प्टिंग इट डिक्रीज बाय द नेचर ऑफ फूड बीइंग डाइजेस्टेड। वेगस नर्व इज नॉट ए सेंसरी नर्व, इट इज ए मोटर नर्व। एलिमिनेट पेन सेंसेशन, वेगस नर्व सेंसरी नर्व का काम नहीं करती। देन दिस ऑप्शन इज आल्सो एलिमिनेट। तो वेगस नर्व का काम क्या है, यहाँ पे जो स्टोमक के अंदर HCl सीक्रेशन है, स्टोमक के अंदर किसका सीक्रेशन है, HCl सीक्रेशन है, उसको सीक्रेट करना। देन हम वेगेटोमी करने का यहाँ पे पर्पज क्या है कि वेगेटोमी कर देंगे, वेगस नर्व को कट कर देंगे, तो जो
HCl सीक्रेशन है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा या कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 232। आफ्टर ए सब टोटल गैस्ट्रेक्टोमी फॉर कैंसर ऑफ द स्टोमक ए क्लाइंट डेवलप डंपिंग सिंड्रोम। एक क्लाइंट है जिसको सब टोटल गैस्ट्रेक्टोमी कर दिया गया है, मतलब स्टोमक को रिमूव कर दिया गया है, कट कर दिया गया है। द क्लाइंट सेज, क्लाइंट कहता है व्हाट डज इट मीन व्हेन द हेल्थ केयर प्रोवाइडर सेड दैट आई एम एक्सपीरियंसिंग डंपिंग सिंड्रोम। क्लाइंट कहता है कि इसका क्या मतलब है जब हेल्थ केयर प्रोवाइडर मुझे बोलता है कि आपको डंपिंग सिंड्रोम है। क्या है डंपिंग सिंड्रोम? व्हाट इंफॉर्मेशन शुड द नर्स इंक्लूड इन ए रेस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के रेस्पॉन्स के लिए नर्स को कौन सी इंफॉर्मेशन इंक्लूड करनी चाहिए? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन वन नोजिया रिजल्टिंग फ्रॉम द फुल स्टोमक। डंपिंग सिंड्रोम का मतलब क्या है यहाँ पे ये बताना है। डंपिंग सिंड्रोम का मतलब है कि फुल स्टोमक होने के कारण नोजिया होता है। ऑप्शन टू रिफ्लेक्स ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट इन टू द इसोफेगस, इसोफेगस के अंदर गैस्ट्रिक रिफ्लेक्स का, गैस्ट्रिक कंटेंट का रिफ्लेक्स होना है। ऑप्शन थ्री बिल्डअप ऑफ फ्लक्चुलेंस वेन द लार्ज इंटेस्टाइन। डंपिंग सिंड्रोम का मतलब ये है कि लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर गैस का निर्माण होने लग गया है। ऑप्शन फोर रैपिड पासेज ऑफ कंसंट्रेट फ्लूड इन टू द स्मॉल इंटेस्टाइन, या फिर डंपिंग सिंड्रोम का मतलब है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जो कंसंट्रेट फ्लूड है वो जल्दी से स्टोमक से किस में चला जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है। गेस योर करेक्ट आंसर, आपका सही उत्तर सोचिए क्या होगा करेक्ट आंसर, कमेंट बॉक्स में लिखिए फिर आप मैच कीजिए। योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर फोर। सही उत्तर क्या है? रैपिड पासेज ऑफ कंसंट्रेट फ्लूड इनटू द स्टोमक इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या मतलब है डंपिंग सिंड्रोम का? जैसे सपोज ये स्टोमक है, स्टोमक का जो कंटेंट है ये स्मॉल इंटेस्टाइन से जुड़ा हुआ है, यहाँ इसोफेगस से जुड़ा होता है। जब ये गैस्ट्रिक कंटेंट है डंपिंग सिंड्रोम, जब जैसे ही खाना खाया वो स्टोमक को तो हमने हटा दिया, इसलिए वो फूड मटेरियल गैस्ट्रिक कंटेंट किस में आ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाएगा, जिसे ही हम डंपिंग सिंड्रोम बोलते हैं। रेशनल देखिए, रेशनल क्या है? वेन हाई ऑस्मोटिक फ्लूड पासेज रैपिडली इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, जब हाई ऑस्मोटिक फ्लूड जल्दी से स्मॉल इंटेस्टाइन में पास होता है, इज कोजेज हाइपोवोल्यूमिया, जिसके कारण बॉडी के अंदर हाइपोवोल्यूमिया मतलब फ्लूड वॉल्यूम कम हो जाता है। दिस रिजल्ट इन ए सिंपैथेटिक रिस्पॉन्स, ये किसके कारण होता है? सिंपैथेटिक रिस्पॉन्स के कारण होता है, विद टेकीकार्डिया, जिसके कारण उसको टेकीकार्डिया हो सकता है, डायफोरोसिस हो सकता है और डिजीनेस हो सकता है। द सिम्टम आल्सो आर एट्रीब्यूटेड टू सडन इंक्रीज एंड सब्सिक्वेंट डिक्रीज इन ब्लड ग्लूकोज लेवल। इन सिम्टम्स के कारण ब्लड ग्लूकोज लेवल भी कम हो सकता है। ये बता रहा है कि यदि डंपिंग सिंड्रोम हो गया तो क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। क्वेश्चन में तो ये पूछा है इन्होंने कि डंपिंग सिंड्रोम का मतलब क्या होता है। डंपिंग सिंड्रोम किसे कहते हैं? जब जो फूड कंटेंट है वो फ्लूड जल्दी से स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाए, उसे हम डंपिंग सिंड्रोम कहते हैं। डंपिंग सिंड्रोम के कारण बॉडी के अंदर क्या हो सकता है? हाइपोवोलीमिया हो सकता है, टेकीकार्डिया हो सकता है, डायफोरेसिस हो सकता है और डिजीनेस हो सकता है, और ब्लड ग्लूकोज लेवल हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है। द स्टोमक इज नॉट फुल, इट कंटेन रैपिडली एम्प्टी इनटू द जेजुनम। डंपिंग सिंड्रोम की कंडीशन में स्टोमक फुल नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि जो गैस्ट्रिक कंटेंट है जल्दी से स्मॉल इंटेस्टाइन के जेजुनम पार्ट में एम्प्टी हो जाते हैं, खाली हो जाते हैं। दिस में अकर विद गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल रिफ्लेक्स। ये ऑप्शन क्या कह रहा है? रिफ्लेक्स ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट टू द इसोफेगस। यदि इसोफेगस में जो स्टोमक के अंदर जो गैस्ट्रिक कंटेंट है, हमने जो खाया है, वो वापस किस में चला जाए, इसोफेगस में चला जाए, तो इसे हम क्या बोलते हैं? गैस्ट्रो इसोफेगल रिफ्लेक्स, गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लेक्स के नाम जैसे जानते हैं, ना कि डंपिंग सिंड्रोम। डीजी, डंपिंग सिंड्रोम इज एसोसिएटेड विद इंक्रीज मोर्टिलिटी। डंपिंग सिंड्रोम मोर्टिलिटी से रिलेटेड रहता है, इन्वॉल्विंग द स्टोमक एंड द जेजुनम। डंपिंग सिंड्रोम का मतलब है कि जो फूड कंटेंट है वो बहुत जल्दी से मूवमेंट कर जाता है स्टोमक से जेजुनम में। बिल्डअप ऑफ फ्लक्चुलेंस विद द लार्ज इंटेस्टाइन यूजुअली एसोसिएटेड विद पैरालिटिक इलनेस। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर गैस का बनना किससे रिलेटेड है? पैरालिटिक इलनेस से। पैरालिटिक इलनेस का मतलब है कि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट इंटेस्टाइन के अंदर नहीं होना, किसके कारण? पैरालिसिस के कारण, जिसे हम पैरालिटिक इलनेस बोलते हैं। डंपिंग सिंड्रोम लीड्स टू इंक्रीज इंटेस्टाइनल मोर्टिलिटी, जबकि डंपिंग सिंड्रोम में जस्ट अपोजिट है,
इंटेस्टाइन की मोटिलिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 233। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एन एक्सप्लोरेटरी लेप्रोटोमी इज परफॉर्म्ड ऑन ए क्लाइंट विथ मेलिना एंड गैस्ट्रिक कैंसर इज डिस्कवर्ड। एक क्लाइंट है जिसको मेलिना और गैस्ट्रिक कैंसर हुआ है, उसको लेप्रोटोमी क्या किया गया है, परफॉर्म किया गया है या किया गया है। ए पार्शियल गैस्ट्रेक्टोमी इज परफॉर्म्ड एंड जेजुनोस्टोमी ट्यूब इज सर्जिकली इम्प्लांटेड। पार्शियल गैस्ट्रेक्टोमी किया गया है और जेजुनोस्टोमी ट्यूब इम्प्लांट किया गया है। ए नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब टू सक्शन इज प्लेस, एक सक्शनिंग के लिए जो फ्लूड कंटेंट है उसको बाहर निकालने के लिए नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब डाला गया है। व्हाट शुड द नर्स एक्सपेक्ट रिगार्डिंग द क्लाइंट्स नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब ड्रेनेज ड्यूरिंग द फर्स्ट 24 आवर आफ्टर सर्जरी। नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब के ड्रेनेज के रिगार्डिंग नर्स क्या एक्सपेक्ट करेगी फर्स्ट 24 आवर सर्जरी के बाद। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन वन ग्रीन एंड विस्कोइड होगा, जो गैस्ट्रिक कंटेंट ड्रेनेज है वो ग्रीन या विस्कोइड होगा। ऑप्शन टू कंटेन सम ब्लड एंड क्लोट, उसके अंदर सम ब्लड और क्लोट्स प्रेजेंट रहेंगे। ऑप्शन थ्री कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ फ्रैंक ब्लड, उसके अंदर लार्ज अमाउंट में फ्रैंक ब्लड प्रेजेंट रहेगा। ऑप्शन फोर सिमिलर टू कॉफी ग्राउंड इन कलर एंड कंसिस्टेंसी, कॉफी ग्राउंड कलर का कलर के जैसा होगा। गेस योर करेक्ट आंसर, सही उत्तर सोचिए, करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन टू कंटेन सम ब्लड एंड क्लोट्स। यदि फर्स्ट 24 आवर के लेप्रोटोमी और पार्शियल गैस्ट्रेक्टोमी के बाद जो नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब ड्रेनेज डाला गया है, तो फर्स्ट 24 आवर में नर्स क्या एक्सपेक्ट करेगी कि जो ड्रेनेज आ रहा है उसके अंदर ब्लड एंड क्लोट्स प्रेजेंट रहेंगे। रेशनल देखिए, सम ब्लड एंड क्लोट्स इन एन एक्सपेक्टेड रेस्पॉन्स ड्यूरिंग द फर्स्ट 24 आवर आफ्टर ए गैस्ट्रिक रिसेक्शन बिकॉज ऑफ ओजिंग ऑफ ब्लड एंड ब्लड कोगुलेशन। पार्शियल गैस्ट्रेक्टोमी और लेप्रोटोमी के बाद फर्स्ट 24 आवर में क्या होता है, जो ड्रेनेज है उसके अंदर ब्लड एंड क्लोट्स मिल सकते हैं, क्योंकि जो क्लोट्स किसके मिलेंगे, जो ब्लड निकलना था उसका वो क्लोटिंग हो जाएगा, जो ब्लड का बहाव था, ओजिंग का मतलब होता है बहना। ग्रीन एंड विस्कोइड आर नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट, ग्रीन एंड विस्कोइड ड्रेनेज हो रहा है तो उसका मतलब ये है कि वो गैस्ट्रिक कंटेंट है। विच आर अनएक्सपेक्टेड आफ्टर गैस्ट्रिक सर्जरी, गैस्ट्रिक सर्जरी के बाद ये अनएक्सपेक्टेड है क्योंकि क्लाइंट को एनपीओ रखा जाता है और ड्रेनेज कंटिन्यू रहता है, तो देन मीन्स नॉर्मल गैस्ट्रिक कंटेंट अवेलेबल नहीं होंगे। लार्ज अमाउंट ऑफ फ्रैंक ब्लड इंडिकेट हेमरेज, यदि साफ अधिक मात्रा में, फ्रैंक का मतलब साफ क्लियर अधिक मात्रा में ब्लड सीक्रेट हो रहा है तो वो किसको इंडिकेट करेगा, हेमरेज को इंडिकेट करेगा, जो भी अनएक्सपेक्टेड है इसलिए हम इसको हटा देंगे। एक्सपेक्टेड का मतलब है कि क्या एक्सपेक्ट करेंगे, मतलब क्या नॉर्मल रहेगा। कॉफी ग्राउंड मटेरियल रिजल्ट फ्रॉम ब्लड दैट हैज बीन डाइजेस्टेड बाय द गैस्ट्रिक एसिड, गैस्ट्रिक ब्लीडिंग विद ए नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब इन प्लेस विल बी रेड बिकॉज गैस्ट्रिक एसिड विल नॉट हैव टाइम टू एसिड एक्ट ऑन द ब्लड। कॉफी ग्राउंड मटेरियल जब निकलेगा, जब जो ब्लड है गैस्ट्रिक कंटेंट के अंदर, वो किसके द्वारा डाइजेस्ट हो गया है, HCl के द्वारा डाइजेस्ट हो गया है, किसके द्वारा, HCl के डाइजेस्ट हो गया है, तब जो ड्रेनेज होगा वो किस कलर का होगा, कॉफी ग्राउंड मटेरियल का होगा। जबकि गैस्ट्रेक्टोमी के बाद इतना टाइम रहता ही नहीं है कि ब्लड अंदर रहे और वो HCl के द्वारा डाइजेस्ट हो जाए, तो ये ऑप्शन भी क्या कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे। तो राइट आंसर क्या है, 24 आवर में क्या एक्सेप्ट करेगी, सम ब्लड एंड ब्लड क्लोट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 234। टू आवर आफ्टर ए सब टोटल गैस्ट्रेक्टोमी द नर्स आइडेंटिफाई दैट द ड्रेनेज फ्रॉम द क्लाइंट्स नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब इज ब्राइट रेड, व्हाट शुड द नर्स डू फर्स्ट। सब टोटल गैस्ट्रेक्टोमी के बाद द नर्स आइडेंटिफाई करती है कि जो नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब का ड्रेनेज है वो कैसा है, लाल चमकीला, ब्राइट रेड है, तो नर्स को सबसे पहले क्या करना चाहिए। ये क्वेश्चन इस वीडियो का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चन है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन वन नोटिफाई द हेल्थ केयर प्रोवाइडर, हेल्थ केयर प्रोवाइडर को नोटिफाई करना चाहिए। ऑप्शन टू क्लेम द नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब फॉर 1 आवर, एक घंटे के लिए नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब को क्लेम कर देना चाहिए। ऑप्शन थ्री डिटरमाइन द
दैट दिस इज एन एक्सपेक्टेड फाइंडिंग, ये निर्धारित करना चाहिए कि एक एक्सपेक्टेड फाइंडिंग है। ऑप्शन फोर, इरीगेट द नेजोगेस्टिक ट्यूब विथ आइस लाइन, आइस लाइन के साथ नेजोगेस्टिक ट्यूब को ड्रेनेज करना चाहिए, इरीगेट करना चाहिए। गेस योर करेक्ट आंसर, सही उत्तर सोचें। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन थ्री, डिटरमाइन दैट दिस इज एन एक्सपेक्टेड फाइंडिंग। यदि ब्राइट रेड सब टोटल गैस्ट्रेक्टोमी के बाद ब्राइट रेड ब्लड आ रहा है तो क्या है, नॉर्मल फाइंडिंग है। रेशनल देखिए, रेशनल क्या कह रहा है, नेजोगेस्टिक ड्रेनेज इज एक्सपेक्टेड टू बी ब्राइट रेड ड्यूरिंग द फर्स्ट 12 आवर आफ्टर सर्जरी। पहले 12 घंटे के बाद फर्स्ट 12 आवर तक नेजोगेस्टिक ड्रेनेज है वो कैसा होगा, ब्राइट रेड होगा। ब्लीडिंग लेसन ग्रेजुअली ड्यूरिंग द 12 आवर आफ्टर सर्जरी इज रेस्पॉन्स टू हेमेस्टेसिस इन ए सर्जिकल एरिया। यदि ब्लीडिंग पहले 12 आवर आ रही है तो वो किसका, हेमेस्टेसिस का रेस्पॉन्स है, किसके अंदर, सर्जिकल एरिया के अंदर। नोटिफाई द हेल्थ केयर प्रोवाइडर इज अननेसेसरी ब्लीडिंग ड्रेनेज इज एक्सपेक्टेड द सून आफ्टर सर्जरी। ये नॉर्मल कंडीशन है इसलिए हेल्थ केयर प्रोवाइडर को हम क्या करेंगे, नोटिफाई नहीं करेंगे। नेजोगेस्टिक सक्शन मस्ट बी वर्किंग एंड द ट्यूब मस्ट रिमेन पेटेंट टू प्रिवेंट स्ट्रेस ऑन द सूचर लाइन। क्लेम भी नहीं करेंगे क्योंकि जो एक्स्ट्रा ड्रेनेज है वो बाहर निकलना जरूरी है, इसलिए क्लेम करेंगे तो सूचर लाइन पे प्रेशर बनेगा और सूचर फट सकते हैं। नेजोगेस्टिक ट्यूब इज ओनली इरीगेटेड इफ द हेल्थ केयर प्रोवाइडर ऑर्डर इट बिकॉज ऑफ द डेंजर ऑफ इंजरी टू द सूचर। जनरली स्लाइन एट रूम टेम्परेचर इज ऑर्डर, आइस लाइन को से कभी भी इरीगेशन नहीं करते, स्लाइन को रूम टेम्परेचर पर रखा जाता है। यदि इरीगेशन करेंगे तो सूचर क्या हो सकते हैं, फट सकते हैं, इसलिए दिस वन इज आल्सो एलिमिनेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 235। ए क्लाइंट इज एडमिटेड टू द सर्जिकल यूनिट फ्रॉम द पोस्ट एनेस्थीसिया केयर यूनिट विद ए स्लिम सम्प नेजोगेस्टिक ट्यूब दैट इज टू बी अटैच्ड टू द वॉल सक्शन। विच नर्सिंग एक्शन शुड द नर्स इम्प्लीमेंट वेन केयरिंग फॉर दिस क्लाइंट। एक क्लाइंट है जो कि सर्जिकल यूनिट में, पोस्ट एनेस्थीसिया केयर यूनिट में एडमिट हुआ है, उसको क्या लगा हुआ है, स्लिम सम्प नेजोगेस्टिक ट्यूब लगी हुई है और वो किसके साथ अटैच है, वॉल सक्शन के साथ अटैच है। व्हाट नर्सिंग एक्शन शुड नर्स इम्प्लीमेंट वेन, इस क्लाइंट की केयर कर रही है तो कौन सा नर्सिंग एक्शन इम्प्लीमेंट करेगी नर्स। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन वन, यूज नॉर्मल स्लाइन टू इरीगेट द ट्यूब, नॉर्मल स्लाइन यूज करना चाहिए ट्यूब को इरीगेट करने के लिए। इम्प्लॉय स्टाइल टेक्निक वेन इरीगेटिंग द ट्यूब, स्टाइल टेक्निक फॉलो करनी चाहिए जब ट्यूब को इरीगेट कर रही है। ऑप्शन थ्री, विड्रॉ द ट्यूब क्विकली वेन डीकम्प्रेशन इज टर्मिनेटेड, ट्यूब को विड्रॉ कर लेगी जब डीकम्प्रेशन कम्प्लीट हो जाए। अलाउ द क्लाइंट टू हैव स्मॉल सिप्स ऑफ आइस वाटर अनलेस नोजेटेड, क्लाइंट को जब आइस वाटर के कुछ सिप्स के लिए अलाउ कर देगी। रेशनल, गेस योर करेक्ट आंसर, सही उत्तर सोचिए, लिखिए कमेंट बॉक्स में। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन वन, यूज सम स्लाइन टू इरीगेट द ट्यूब। क्या नर्सिंग एक्शन है, क्या नर्सिंग एक्शन इंप्लीमेंट करना चाहिए, नॉर्मल स्लाइन से ही क्या करेगी, इरीगेट करेगी ट्यूब को ओनली। रेशनल देखिए, पेटेंसी ऑफ द ट्यूब शुड बी मेंटेन टू इंश्योर कंटिन्यूड सक्शन। नॉर्मल स्लाइन का यूज किसके लिए करेगी, सक्शन की पेटेंसी को मेंटेन करने के लिए। यूज ऑफ नॉर्मल स्लाइन मिनिमाइज फ्लूड एंड इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस ड्यूरिंग इरीगेशन। नॉर्मल स्लाइन क्या है, जिसके द्वारा फ्लूड और इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस क्या होता है, मिनिमम होता है। द स्टोमक इज नॉट कंसिडर ए स्टाइल बॉडी कैविटी, ए मेडिकल असेप्सिस इज इंडिकेटेड। इरीगेशन के लिए ओनली मेडिकल असेप्सिस की जरूरत पड़ेगी, नहीं कि सर्जिकल एसेप्सिस, तो दिस ऑप्शन इज एलिमिनेटेड, इस ऑप्शन को भी हम क्रॉस कर देंगे। केयर मस्ट बी टेकन टू अवॉइड ट्रोमेटाइजिंग द म्यूकोसा। यदि हम जल्दी से जो ट्यूब है उसको बाहर निकाल लेंगे तो क्या हो सकता है, म्यूकोसा ट्रोमेटाइज हो सकता है या फट सकता है, चोट लग सकती है, तो इसको भी हम एलिमिनेट कर देंगे। आइस चिप्स एंड वाटर रिप्रेजेंट फ्लूड इनटेक व्हिच मस्ट बी अप्रूव्ड बाय हेल्थ केयर प्रोवाइडर। आइस चिप्स और वाटर फ्लूड इनटेक को रिप्रेजेंट करती है, जिसको नर्सेस का फ्री रोल नहीं है, उसको हेल्थ केयर प्रोवाइडर के साथ डिस्कस करना पड़ेगा। आइस चिप्स हाइपोटोनिक नेचर की होती हैं,
सच इनटेक में लोअर द लेवल ऑफ सीरम इलेक्ट्रोलाइट, जो कि सीरम इलेक्ट्रोलाइट को डिस्टर्ब कर सकती हैं, देन ये भी अलाउ नहीं होगा, ये नर्सिंग एक्शन भी इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, तो दिस वन इज आल्सो एलिमिनेटेड। तो स्लेम सम नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब का इरीगेशन कर रही है, तो नर्स का क्या प्रायोरिटी रहेगा, नर्स का कौन सा एक्शन इम्प्लीमेंट करना है, नॉर्मल स्लाइन के साथ क्या करना है, नॉर्मल स्लाइन के साथ क्या करना है, वो करना है, इरीगेट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 236 क्या है, आफ्टर ए पार्शियल गैस्ट्रेक्टोमी इज परफॉर्म ए क्लाइंट इज रिटर्न फ्रॉम द पोस्ट एनेस्थीसिया केयर यूनिट टू द सर्जिकल यूनिट विद एन आईवी सॉल्यूशन इन्फ्यूजिंग एंड नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब इज इन प्लेस। पार्शियल गैस्ट्रेक्टोमी के बाद परफॉर्म होने के बाद एक क्लाइंट को आईवी सॉल्यूशन और नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब के साथ पोस्ट एनेस्थीसिया केयर में यूनिट में शिफ्ट किया गया है। द नर्स आइडेंटिफाइड दैट देयर इज नो नेजोगैस्ट्रिक डैमेज फॉर 30 मिनट। नर्स ने आइडेंटिफाई किया है कि 30 मिनट से कोई नेजोगैस्ट्रिक डैमेज नहीं है। देयर इज एन ऑर्डर फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब PRN, जब रिक्वायर्ड हो तब नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब रखना है। द नर्स शुड इंस्टॉल, नर्स को क्या इंस्टॉल करना चाहिए, ऑप्शन देखिए, ऑप्शन वन 30 ml ऑफ नॉर्मल स्लाइन एंड कंटिन्यू द सक्शन, 30 ml नॉर्मल स्लाइन इंस्टॉल करना चाहिए और सक्शन को कंटिन्यू रखना चाहिए। ऑप्शन टू 20 ml ऑफ एयर एंड क्लैंप ऑफ द सक्शन फॉर 1 hour, एक 20 ml एयर डाले और 1 घंटे के लिए सक्शन को क्लैंप कर दे। ऑप्शन थ्री 50 ml ऑफ स्लाइन एंड इंक्रीज द प्रेशर ऑफ द सक्शन, 50 ml स्लाइन डाले और सक्शन के प्रेशर को बढ़ा दे। ऑप्शन फोर 50 ml ऑफ डिस्टिल वाटर एंड डिसकनेक्ट द सक्शन फॉर 30 मिनट, 15 ml डिस्टिल वाटर डालें और 30 मिनट के लिए सक्शन को डिसकंटिन्यू कर दें। कौन क्या करना चाहिए, नर्स शुड पार्शियल गैस्ट्रेक्टोमी के बाद पोस्ट सर्जिकल यूनिट में रेशनल देख, गेस योर करेक्ट आंसर, सही उत्तर सोचें, करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन वन 30 ml ऑफ नॉर्मल स्लाइन एंड कंटिन्यू द सक्शन। रेशनल देखिए कैसे होगा, फिजियोलॉजिकल नॉर्मल स्लाइन इज यूज टू गैस्ट्रिक इंस्टॉलेशन टू प्रिवेंट इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस। नॉर्मल स्लाइन इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस को रोकने के लिए क्या कराना है, गैस्ट्रिक इंस्टॉलेशन कराना है। बिकॉज ऑफ फ्रेश गैस्ट्रिक सूचर स्लो एंड जेंटाइल इंस्टॉलेशन ऑफ द स्लाइन शुड बी परफॉर्म्ड टू री एस्टैब्लिश पेटेंसी ऑफ द ट्यूब। क्या है, जो गैस्ट्रिक सूचर लगाए गए हैं उसके कारण उसको डैमेज होने से बचाने के लिए, उसकी पेटेंसी को मेंटेन रखने के लिए नॉर्मल स्लाइन से हम क्या करेंगे, इंस्टॉल करवाएंगे, उसमें डालेंगे एंड देन द ट्यूब शुड बी रिकनेक्टेड टू सक्शन टू इंश्योर स्टोमक डीकम्प्रेशन। उसके बाद ट्यूब को रिकनेक्ट कर देंगे स्टोमक को डीकम्प्रेस रखने के लिए। द पर्पज ऑफ इंस्टॉलेशन इज टू मेंटेन द पेटेंसी ऑफ ट्यूब फॉर गैस्ट्रिक डीकम्प्रेशन। यहाँ पे नॉर्मल स्लाइन डालने का पर्पज क्या है, तो पेटेंसी उसको मेंटेन रखना और जो गैस्ट्रिक कंटेंट है उसको डिकम्प्रेस रखना। विथ डिसकनेक्शन फ्रॉम द सक्शन ए बिल्डअप ऑफ सीक्रेशन एंड एयर कैन बी अकर ऑन द ट्यूब कैन बिकम ब्लॉक्ड बाय विस्कस ड्रेनेज। यदि हम उसके अंदर एयर डाल दिया तो वो क्या करेगी, विस्कस ड्रेनेज के द्वारा जो ट्यूब है उसको क्या कर सकती है, ब्लॉक कर सकती है। हमारा तो पर्पज तो था पेटेंसी मेंटेन रखने का और सारा काम उल्टा हो गया। इंक्रीजिंग द प्रेशर मे कोज डैमेज टू द सूचर लाइन। यदि प्रेशर हम बढ़ा देंगे तो सूचर लाइन क्या हो सकती है, डैमेज हो सकती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 237 ए क्लाइंट इज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल विद डायग्नोसिस ऑफ इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। एक क्लाइंट है जिसको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के डायग्नोसिस के साथ। द हेल्थ केयर प्रोवाइडर ऑर्डर इंटेस्टाइनल सक्शन वाया ए नेजोगैस्ट्रिक डीकम्प्रेशन ट्यूब। हेल्थ केयर प्रोवाइडर ने इंटेस्टाइनल सक्शन का ऑर्डर किया है नेजो इंट्रिक का मतलब होता है इंटेस्टाइनल से, आंत से संबंधित, एंट्रिक वर्ड जहां पे भी आए उसका मतलब रखना है आंत से संबंधित, डीकम्प्रेशन ट्यूब से। द लॉस ऑफ विच कंस्टिट्यूंट्स एसोसिएटेड विद इंटेस्टाइनल सक्शन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टू कंसिडर वेन केयरिंग ऑफ दिस कंटेंट क्लाइंट। इस क्लाइंट की केयर करने के लिए कौन सा
मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन वन, इनिशियल सक्शनिंग के लिए कौन सा मोस्ट इम्पोर्टेंट कंटेंट कंसिडर करना चाहिए, प्रोटीन एंजाइम, ऑप्शन वन प्रोटीन एंजाइम, ऑप्शन टू एनर्जी कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन थ्री विटामिन एंड मिनरल्स, ऑप्शन फोर वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट। मीन्स सक्शनिंग से कौन सा, यदि कंटिन्यू सक्शनिंग कर रहे हैं तो कौन सा कंटेंट सबसे ज़्यादा लॉस होने की संभावना रहेगी, और इनमें लॉस होता है तो कौन सा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। गेस योर करेक्ट आंसर, सही उत्तर सोचिए। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन फोर, वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट। इम्बेलेंस हो गया तो सारा काम बिगड़ जाएगा, इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। रेशनल देखिए, फ्लूड एंड इलेक्ट्रोलाइट आर लॉस्ट थ्रू इंटेस्टाइनल डिकम्प्रेशन। यदि इंटेस्टाइन को डिकम्प्रेस किया गया है, उसका जो कंटेंट है उसको बाहर निकाला जाता है, ऑन ए डेली बेसिस अबाउट 20% ऑफ टोटल बॉडी वाटर इज सीक्रेटेड इन टू द एंड ऑलमोस्ट कम्प्लीटली रीअब्जॉर्ब बाई द GI ट्रैक। एक दिन के अंदर 24 आवर के अंदर टोटल 20% वाटर GI ट्रैक के द्वारा क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है, अवशोषित होता है। यदि ये 20% होगा नहीं, हम उसको ट्यूब के द्वारा बाहर निकाल लेंगे, तो सबसे ज़्यादा फ्लूड और इलेक्ट्रोलाइट अनबैलेंस होने के चांसेस रहेंगे। बिकॉज द क्लाइंट इज केप्ट NPO, देर इज नो स्टिमुलस टू कोज एंजाइम टू बी सीक्रेटेड इन टू द GI ट्रैक। क्लाइंट को NPO रखा गया है, इसलिए GI ट्रैक के अंदर ज़्यादा सीक्रेशन होने की संभावनाएं नहीं है। Dextrose supplies some carbohydrate as a source of energy. Carbohydrate will not be drawn from the storage of intestinal decompression. Energy carbohydrate के रूप में energy की प्रदान करना जरूरी है, but decompression यहाँ पे important है. Because the client is being kept NPO, vitamin and mineral are not entering the GI tract and therefore are not lost. जब client को NPO रखा गया है तो vitamin और mineral GI tract के अंदर जाएंगे नहीं, तो उनका lost नहीं होगा। लॉस्ट कहाँ से होगा, दिस ऑप्शन इज आल्सो एलिमिनेटेड। तो यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रायोरिटी क्या है, वाटर और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस मेंटेन रखना। क्यों, क्योंकि जो 20% एब्जॉर्ब होना था पर डे का, वो एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है, तो उसमें वाटर और इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस होने की संभावनाएँ बढ़ जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 238, व्हेन एन इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन इज सस्पेक्टेड, ए क्लाइंट हैज नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब इंसर्टेड एंड अटैच टू सक्शन। एक क्लाइंट जिसका नेजो इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन सस्पेक्ट हुआ है, उसके क्लाइंट के अंदर नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब डाला गया है और सक्शन के लिए अटैच कर दिया गया है, फॉर व्हाट रेस्पॉन्स शुड द नर्स क्रिटिकली असेस द क्लाइंट। कौन से रेस्पॉन्स के लिए इस क्लाइंट को नर्स को असेस करना चाहिए। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन वन एडिमा के लिए, ऑप्शन टू बेल्चिंग के लिए, ऑप्शन थ्री फ्लूइड डिफिशिएंट के लिए, ऑप्शन फोर एक्सेसिव स्लाइवेशन के लिए। गेस योर करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन थ्री, फ्लूड डिफिशिएंट के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट GI वाले में क्या रहेगा, फ्लूड और इलेक्ट्रोलाइट मेंटेन रखना सबसे ज़्यादा जरूरी। क्या है, फ्लूड और इलेक्ट्रोलाइट एंड इलेक्ट्रोलाइट सबसे ज़्यादा। तो फर्स्ट प्रायोरिटी हम किसको देंगे, फ्लूड और इलेक्ट्रोलाइट वाले बैलेंस को। एडिमा का मतलब होता है सूजन, बेल्चिंग का मतलब होता है डकारन, फ्लूड डिफिशियंट मतलब फ्लूड का कम होना, एक्सेसिव स्लाइवेशन इनका मतलब है एक्स्ट्रा लार का आना। रेशनल देखिए, डिहाइड्रेशन इज ए डेंजर बिकॉज ऑफ फ्लूड लॉस विद GI सक्शन। सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्या है कि क्लाइंट को क्या नहीं हो, डिहाइड्रेट नहीं हो, उसके बॉडी के अंदर केस की कमी नहीं हो, फ्लूड की कमी नहीं हो, इसलिए GI सक्शन में इलेक्ट्रोलाइट और फ्लूड इम्बेलेंस होने की संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं। तो सबसे पहले क्रिटिकली किसको असेस करना चाहिए, फ्लूड डिफिशिएंट को असेस करेगी। एडिमा, बेल्चिंग, एक्सेसिव स्लाइवेशन, बेस्ड ऑन द डाटा प्रोवाइडेड द क्लिनिकल फाइंडिंग इज नॉट लाइकली टू अकर। एडिमा, बेल्चिंग और एक्सेसिव स्लाइवेशन जो सक्शन है उसके अंदर होने की संभावनाएं कम रहेंगी। क्यों, क्योंकि हम फ्लूड को बाहर निकाल रहे हैं, ना कि अंदर इंसर्ट करा रहे हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 239, ए नर्स डिजाइन ए हेल्थ टीचिंग प्रोग्राम स्पेशली फॉर ए क्लाइंट हु हैड ए गेस्टेक्टोमी, व्हाट शुड द दिस प्लान इंक्लूड। एक नर्स है जो कि गेस्टेक्टोमी को वाले क्लाइंट के लिए हेल्थ टीचिंग प्रोग्राम क्या करा रही है, डिजाइन किया गया है, व्हाट शुड द नर्स प्लान इंक्लूड। नर्स को क्या प्लान के अंदर क्या इंक्लूड करना चाहिए। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन वन इंफॉर्मेशन अबाउट हाउ टू लिमिट एंड प्रिवेंट डंपिंग सिंड्रोम।
ये इन्फॉर्मेशन बतानी चाहिए कि डंपिंग सिंड्रोम को कैसे रोक सकते हैं। ऑप्शन टू, एन एक्सप्लेनेशन ऑफ थेरेपेटिक इफेक्ट ऑफ हाई रफेज डाइट। हाई रफेज डाइट के थेरेपेटिक इफेक्ट के बारे में एक्सप्लेन करना चाहिए। ऑप्शन थ्री, ए लिस्ट ऑफ फूड्स दैट कोज गैस इन द इंटेस्टाइन एंड हाउ टू अवॉइड देम। वो फूड के बारे में लिस्ट के फूड की लिस्ट के बारे में बताएं कि कौन कौन से इंटेस्टाइन में गैस कर सकते हैं और उससे कैसे बचा जा सकता है। ऑप्शन फोर, इंक्रेजमेंट टू रिज्यूम प्रीवियस ईटिंग हैबिट एज सून एज पॉसिबल। जितना हो संभव हो सके उतने जो पहले की हीटिंग हैबिट थी उनको अप्लाई करना चाहिए। गेस योर करेक्ट आंसर, सही उत्तर सोचिए। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन वन। इन्फॉर्मेशन गैस्ट्रेक्टोमी किया है तो उसमें मेन हेल्थ टीचिंग प्रोग्राम में क्या इंपॉर्टेंट रहेगा, इन्फॉर्मेशन अबाउट हाउ टू लिमिट एंड प्रिवेंट डंपिंग सिंड्रोम। गैस्ट्रेक्टोमी वाले में सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन जो होता है वो क्या होता है, डंपिंग सिंड्रोम। डंपिंग सिंड्रोम का मतलब क्या होता है, जो गैस्ट्रिक कंटेंट है वो स्टोमक को हमने क्या कर दिया था, हटा दिया और सीधे किस में आ जाएंगे, इंटेस्टाइन में। रेशनल देखिए, सिम्टम ऑफ डंपिंग सिंड्रोम अकर टू सम डिग्री इन अबाउट 50% ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स हु हैव अंडरगोन ए गैस्ट्रेक्टोमी। 50% लोगों में जिसका गैस्ट्रेक्टोमी हुआ है उसमें कॉम्प्लिकेशन डंपिंग सिंड्रोम होने की संभावनाएं या डंपिंग सिंड्रोम के सिम्टम्स होने की संभावनाएं रहती हैं। दे इंक्लूड, इसके कारण क्या क्या हो सकता है, वीकनेस हो सकता है, फेंटनेस, बेहोशी हो सकती है, हार्ट पाल्पेशन या टेकीकार्डिया हो सकता है और डायफोरेसिस हो सकता है। इट इज़ देयरफॉर इंपॉर्टेंट टू एक्सप्लेन टू द क्लाइंट दैट सच सिम्टम कैन बी मिनिमाइज्ड बाय रिसाइकलिंग आफ्टर मील्स, रिक्लाइनिंग आफ्टर मील्स, ईटिंग स्मॉल मील एंड वोमिटिंग कंसंट्रेटेड एंड हाई रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट। तो इस कंडीशन में क्लाइंट को ये गाइड करेंगे कि थोड़ी थोड़ी देर के अंदर थोड़ा थोड़ा भोजन करना है, स्मॉल मील्स लेना है, हाई कंसंट्रेटेड फूड्स को ओमिट करना है, मतलब बचना है, हाईली रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट भी लेने से अवॉइड करना है, क्योंकि यदि ये लेते हैं तो डंपिंग सिंड्रोम होने की पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं। मॉडिफिकेशन ऑफ रफेज इज ए पार्ट ऑफ मैनेजमेंट ऑफ इंटेस्टाइनल रादर देन गैस्ट्रिक डिसऑर्डर। रफेज डाइट का रोल इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर में रहता है, न कि गैस्ट्रिक डिसऑर्डर्स में। गैस फॉर्मिंग फूड्स अफेक्ट द इंटेस्टाइन नॉट द स्टोमक। गैस फॉर्मिंग फूड्स किसको अफेक्ट करते हैं, इंटेस्टाइन को, स्टोमक में उससे कोई रोल नहीं होता। ईटिंग हैबिट मस्ट बी मॉडिफाइड टू प्रिवेंट रैपिड इम्पटिंग ऑफ द स्टोमक। ईटिंग हैबिट को चेंज करना चाहिए, मॉडिफाई करना चाहिए, ताकि जो गैस्ट्रिक कंटेंट है वो जल्दी से खाली ना हो पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, व्हेन केयरिंग फॉर ए क्लाइंट हु इज रिकवर्ड फ्रॉम ए गैस्ट्रेक्टोमी, ए नर्स इज कंसर्न्ड अबाउट द पोटेंशियल डेवलपमेंट ऑफ परनीशियस एनीमिया, व्हाट शुड द नर्स कंक्लूड मे बी द कोज ऑफ कॉम्प्लिकेशन। एक क्लाइंट है जो कि गैस्ट्रेक्टोमी से रिकवर हो रहा है और उस क्लाइंट को परनीशियस एनीमिया डेवलप हो गया है, तो नर्स को उस कॉम्प्लिकेशन से रिलेटेड क्या कंक्लूड करना चाहिए, क्या इंक्लूड करना चाहिए। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन वन, विटामिन B12 इज जस्ट एब्जॉर्ब इन द स्टोमक। विटामिन B12 का एब्जॉर्बेशन स्टोमक में होता है, क्या होता है। ऑप्शन टू, हीमोपोएटिक फैक्टर इज सीक्रेटेड इन द स्टोमक। स्टोमक के अंदर हीमोपोएटिक फैक्टर सीक्रेट होते हैं जिसके कारण परनीशियस एनीमिया हो गया हो। ऑप्शन थ्री, पेराइटल सेल ऑफ द स्टोमक सीक्रेट द इंट्रिंसिक फैक्टर। स्टोमक की पेराइटल सेल के द्वारा इंट्रिंसिक फैक्टर का सीक्रेशन होता है। ऑप्शन फोर, चीफ सेल इन द स्टोमक प्रमोट द सीक्रेशन ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर। स्टोमक की जो चीफ सेल्स होती हैं वो इंट्रिंसिक फैक्टर के सीक्रेशन को प्रमोट करती हैं। गेस योर करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा, सोचिए, लिखिए कमेंट बॉक्स में। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन थ्री, पेराइटल सेल ऑफ द स्टोमक सीक्रेट द इंट्रिंसिक फैक्टर। होता क्या है, विटामिन B12 जिसकी कमी के कारण क्या होता है, परनीशियस एनीमिया होता है। क्या होता है, परनीशियस एनीमिया। और विटामिन B12 का ऑब्जर्वेशन किससे, इंट्रिंसिक फैक्टर से, किससे, इंट्रिंसिक फैक्टर। और उसका सीक्रेशन कौन से होते हैं, पेराइटल सेल ऑफ स्टोमक सीक्रेट करती है। देन यदि हमने क्या कर दिया, स्टोमक को हटा दिया, गैस्ट्रेक्टोमी कर दिया, तो इंटेंसिव फैक्टर सीक्रेट ही नहीं होंगे, B12 का ऑब्जर्वेशन ही नहीं होगा और परनीशियस एनीमिया कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा। अब रेशनल देखिए, परनीशियस एनीमिया इज कॉज बाय लैक ऑफ विटामिन B12। परनीशियस एनीमिया विटामिन B12 की कमी के कारण होता है।
इंटेंसिव फैक्टर प्रोड्यूस बाय द पेरिटल सेल ऑफ गैस्ट्रिक म्यूकोसा इज नेसेसरी फॉर B12 एब्जॉर्वेशन। B12 के एब्जॉर्वेशन के लिए, उसके अब्सॉर्प्शन के लिए इंटेंसिव फैक्टर बहुत जरूरी होता है, जिसका सीक्रेशन कौन सी सेल्स के द्वारा होता है। हमारा इक्वेशन यहाँ पे भी ये भी कंप्लीट होता है कि इंटेंसिव फैक्टर का सीक्रेशन स्टोमक की गैस्ट्रिक म्यूकोसा की पेरिटल सेल के द्वारा होता है, जो कि विटामिन B12 के एब्जॉर्वेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। B12 इज एब्जॉर्ब इन द ईलियम। B12 का एब्जॉर्वेशन कहाँ पे होता है? ईलियम के अंदर होता है। द हीमोपोएटिक फैक्टर इज कॉम्बिनेशन ऑफ B12 एंड इंटेंसिव फैक्टर। हीमोपोएटिक फैक्टर B12 और इंटेंसिव फैक्टर का कॉम्बिनेशन होता है। द इंटेंसिव फैक्टर इज सीक्रेटेड बाई द स्टोमक। इंटेंसिव फैक्टर का सीक्रेशन स्टोमक गैस्ट्रिक म्यूकोसा के पेरिटल सेल के द्वारा होता है, जो कि एंड फूड इज द सोर्स ऑफ विटामिन B12, जो कि उसको ऑब्जर्वेशन, जो हमारे को फूड से विटामिन B12 में मिला है, उसको अब्सॉर्प्शन करने में काम। चीफ सेल सीक्रेट द एंजाइम एंड गैस्ट्रिक जूस। चीफ सेल्स का स्टोमक के अंदर क्या काम है? चीफ सेल्स इंटेंसिव फैक्टर सीक्रेट नहीं करती, चीफ सेल्स एंजाइम सीक्रेट करती और गैस्ट्रिक जूस सीक्रेशन का काम करती है। तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि गैस्ट्रिक जूस का सीक्रेशन कौन से सेल्स के द्वारा होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्यारे साथियों, वीडियो अच्छा लगा हो, यदि इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई क्यूरी हो तो आप हमें व्हाट्सअप कीजिए। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 8360069703। दोस्तों, आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए।